तरनतारण जिले की ऐतिहासिक नगरी गोविंदवाल साहब में पिछले 2-3 दिन से चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। बीती रात पुलिस नाके के करीब चोरों द्वारा बड़ी आसानी से 3 दुकानें में मोबाइल चोरी कर लिए गए। जिक्र योग्य है कि प्रशासन द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे लोगों की सहूलत के लिए लगाए गए हैं, पुलिस उन्हें रात होते ही बंद कर देती है, जिसके रोष में दुकानदारों ने प्रदर्शन कर रात की ड्यूटी वाले मुलाजमों को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की है। तकरीबन 5:20 सानू सवेरे पता चलिया कि दुकान की टुट भज हुई है। जो असी आके मौका वेख्या तो दुकान के कुछ भी नहीं सी, गले जो पैसे गायब सके, मोबाइल सारे गायब सके। इस तरह ही असी परचा दाखिल करवाने उत्थे गए थाने, साढ़े पिछे पिछे 3 दुकानदार होर आ गए। रला मिला के जी 20 लाख रुपये का नुकसान होया जी, सारे दुकानदारा का। आके तो लागे आ जी एक दुकान मोबाइल वाली, बिल्कुल कंध ना कंध सी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए आ, उत्थे भी जी चोरी हो गई। जबकि इतने 24 घंटा नाका चैक पोस्ट आ जी, 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए आ, जिन्हों में सिर्फ एक चलता पाया गया, वह भी गलत दिशा च, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हैगी। साडा जी नुकसान होया, असी यो मंग करते हैं कि सानू इंसाफ दवाया जाए। चोरी बेसिकली वो जो कैमरे है वो साढ़े रोड से ही करते हैं कवर, वो किसी बाजार से नहीं लगे, वो भी चैक अं कर रहे हैं, एक अद्धा कैमरा बंद है, बाकी प्रॉपर चल रहे हैं, वो अं चेक कर रहे हैं। उन्होंने 15 लाख की वो तो श्रोमणी कमेटी का रौला जी, उन्होंने दुकानों का आपसी डिस्प्यूट है। तरन तारण से जागृति लहर के लिए विजय अरोड़ा की रिपोर्ट।